वहाँ भी बनाया इसने। दो मेन लाइन थी जो दिल्ली से जो चेन्नई लाइन जाती है जिसपे झांसी पड़ता है वो इलेक्ट्रिफाई थी। इसी तरह इलाहाबाद से जबलपुर जो लाइन जा रही है वो इलेक्ट्रिफाई हो रही है। बीच का ये पोर्शन बच जाता है झांसी से मानिकपुर या भीमसेन से खैरार, ये इलेक्ट्रिफाई नहीं था। तो ये दो चरणों में इसका इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हुआ है। पिछली बार मार्च में हम लोगों ने निरीक्षण किया था, सियारे साहब आए थे, तो झांसी हरपालपुर इलेक्ट्रिफिकेशन कमीशन हो गया था और उधर भीमसेन से हमीरपुर कमीशन हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर कोई गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि अगर गाड़ी चलाते तो हमको बीच में डीजल बदलना पड़ता और जब भी कोई काम होता है तो स्टेजेस में होता है। अब दूसरे स्टेज में आज जो निरीक्षण कर रहे हैं सियारा साहब आए हैं हमारे सर्कल के और वेस्ट सेंट्रल सर्कल के, ये हमारे यहाँ से जो हरपालपुर से लेकर खैरार तक का सेक्शन जो है उसका इंस्पेक्शन हो रहा है। उसके बाद आगे हम लोग खैरार से भीमसेन का इंस्पेक्शन करेंगे और लौटते में बिजली के इंजन से, अगर सब कुछ ठीक रहा तो साहब परमिशन देंगे, बिजली के इंजन से स्पीड ट्रायल होगा। उसके बाद साहब एक दो दिन के अंदर उसका ऑथराइजेशन देंगे ताकि इस पर बिजली की गाड़ी चल सके। तो पहले हम लोग इस पर गुड्स की गाड़ियां कुछ दिन चलाएंगे और आगे इसको बांदा जुड़ना है, बांदा के बाद मानिकपुर जुड़ना है। जब बांदा जुड़ जाएगा तो पैसेंजर ट्रेन भी या अभी भी कुछ गाड़ियाँ हो सकता है महोबा तक हम पैसेंजर लाएँ और इलेक्ट्रिक से, और उसके बाद आगे डीजल लगाएँ। ये कार्य है सर, अभी बांदा तक पूरा नहीं हो पाया। बांदा अभी आज खाली खैरार तक है, खैरार बांदा इसके बाद अगले एक दो महीने में पूरा हो जाएगा। सर, कितने किलोमीटर का ये विद्युत है? 165 पूरा हो गया है। सर, कितना टारगेट था सर? ये पूरे टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, टारगेट के अनुरूप चल रहे हैं। सर, कब तक समय सीमा दी गई है इसको? मार्च तक पूरा होने की पूरी संभावना है। और दोहरीकरण का तो टारगेट अभी नहीं है, दोहरीकरण के तो टेंडर अभी हुए हैं, अब दोहरीकरण का कार्य भी शुरू होगा जल्दी ही। वो भी अगले हाँ तो 2024 के बहुत पहले वो पूरा हो जाएगा। सर, करोड़ों की लागत से यहाँ अंडरब्रिज बनाए गए थे जो आज भी फेल हैं, जो तैयार हो गए उनमें के लिए पंप लगाए गए हैं, प्लस आप देख रहे हैं धीरे धीरे सब में हम शेड बनाए जा रहे हैं। और जो यहाँ एक जो आधा बना हुआ था उसमें हमारी यहाँ के माननीय सांसद जी ने भी बड़ी मदद की थी, कुछ हमें ज़मीन चाहिए थी कोऑपरेटिव से, लेकिन कोऑपरेटिव कुछ उसमें प्रॉब्लम है, नहीं होगा तो हम लोग इसी को फिर पूरा करेंगे। अभी बात ये चल रही है कुछ अगर हमें ज़मीन दे दो सीधा रास्ता बन जाए, अभी जो यू टर्न है वो अवॉइड हो जाए, लेकिन अगर ज़मीन नहीं मिली, इसमें हमारे अधिकारी भी गए थे, पूरी मीटिंग वगैरह हुई थी, सांसद जी ने बड़ा सहयोग दिया, लेकिन हमें ज़मीन चाहिए, अगर ज़मीन दे दें कोऑपरेटिव तो ये यू बच जाएगा, नहीं तो हम फिर यू के साथ ही आगे कार्य करेंगे।